नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज आपका और आपके साथ है एमएस परदेसी जी। हाँ, अभी हम बरहरा कोठी जो थाना है उसके अंतर्गत हैं। बोले तो यहाँ पे जमीन जाल का जो मैटर है, जो अतिक्रमण का मैटर है, ये मैटर सामने आए। ऐसे तो बोला जाए कि हर जगह, अगर राजस्व विभाग की अगर बात करें हम, तो हर जगह धांधली हो रही है। लेकिन सवाल बनता है कि एक अंचल अधिकारी किस तरीके से इंस्पेक्शन किया, किस तरीके से जांच किया, जो अभी तक अतिक्रमण मुक्त नहीं हुआ। ये भी है कि सारा मामला अभी डीसीएलआर के यहाँ है, लेकिन देखा ये गया कि जमीन पे अतिक्रमण अभी तक मौजूद है, जिसका वीडियो हम बगल में चला रहे हैं। आपको आप देख सकते हैं कि किस तरीके से है। यहाँ के जो समाज हैं, वो दोनों समाज एक हरिजन महादलित है, दूसरा मुसलमान जाति के लोग हैं। ये सब के बीच में झगड़ा अभी तक नहीं हुआ है, जबकि बोले तो लगभग एक बीघा जमीन पे अतिक्रमण हो चुका है। कि इसको आखिर देखेगा कौन? अधिकारी के पास अगर केस है तो इसको स्थल जांच करके, इस जांच को सबमिट किया जाए, ताकि लोगों को इंसाफ मिल सके। अर्थात ये है कि किसी कोई भी समाज हो वो दुखी नहीं हो, लेकिन देखने वाली बात यह है कि कब्रिस्तान हो या श्मशान हो, मनुष्यता के अंदर में आता है। और मनुष्य को चाहिए कि किसी का भी कब्रिस्तान हो या फिर श्मशान घाट हो, इस पे कब्जा ना करे। कि इन लोगों के बीच में भिड़ंत आज तक नहीं हुई, जिसके कारण से आज तक दोनों समाज एकजुट हैं और दोनों को कागज दिखाना है। लेकिन यहाँ के जो जिनमिन व्यक्ति है, बोल रहे हैं कि हमारा जितना उम्र है उसके हिसाब से यहाँ तो फुटबॉल मैदान था। लेकिन आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से अतिक्रमण हो गई पूरा का पूरा। अब कब्रिस्तान का जमीन कितना है और कितना सरकारी कर्मचारी इनको लिख के दिए हैं, तो हमने अंचल अधिकारी का रिपोर्ट पढ़ा, जिसमें 30 डिसमिल जमीन पे अतिक्रमण दिखाया गया है। मकान में सहन, इस चीज को समझना होगा कि 30 डिसमिल जमीन ही इन लोगों को दिया गया था अंचल अधिकारी के अनुसार से। लेकिन अब सवाल यह है कि यहाँ पे पूरा का पूरा जमीन अगर अतिक्रमण करने की बात हो रही है, तो सरकार कहाँ है, यहाँ के प्रशासन कहाँ है, यहाँ के SDO, CO और यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो कहाँ है? कोई भी जनप्रतिनिधि आगे आना नहीं चाहता है, क्योंकि उसको तो वोट से मतलब है, वोटवा कैसे होगा। जब हम मुखिया से बात किए तो इंसाफ की बात किया कि नहीं, अतिक्रमण वहाँ किया गया है। यहाँ के सरपंच से बात किए तो उनका भी कहना है कि अतिक्रमण किया गया, लेकिन अतिक्रमण मुक्त कौन करेगा? अब यहाँ के लोगों से हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ बात हुई, किस तरीके से इस पे कब्जा हो रही है और कब से केस लड़ा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? MD मन्नान। ये कौन सा पंचायत? ये लतराहा पंचायत हुआ। और इधर? इधर मुल्किया पंचायत हुआ। इधर का वार्ड नंबर 8 हुआ, 8। इधर का 12। अच्छा, यहाँ के जो समस्या है आपका कब्रिस्तान का जी, ये कब से आप केस लड़ रहे हैं? 92 से मेरा कागज शो कर रहा है, 92 से जो है इसमें लड़ रहे हैं। कि कुछ पहले एक दूटा उधर से अंश हल्का फल्का था, तो 92 से लड़ते इतना नहीं था, कब्रिस्तान था इसमें, कबर वगैरह हर जगह था। हाँ, उसके बाद जो है 18 में आकर के देखे कि धीरे धीरे अतिक्रमण बढ़ रहा है। तो हम लोग जो है, क्योंकि ये लोग तो हरिजन समुदाय से आता है जी, तो हम लोग जो है कानून का पालन करते हुए केस जा कर के दायर किए अनुमंडल में जी, कि ये सारे ऐसे अतिक्रमण हटाया जाए। मेरे पास पेपर है, ये जमीन पहले सर पेपर को भी देखा जाए कि ये जमीन का क्या पेपर क्या बोल रहा है। यानी आप सीधा सीधा समझिए कि आप इंसाफ पे जा रहे हैं। हाँ, सरकार पे जा रहे हैं जी जी, कानून का जो रूल है, रेगुलेशन है जी, जो कागजात है उसके ऊपर जा रहे हैं। हाँ, उसके उस आधार पर। अभी तक आप इन समाज से झगड़ा आप लोग का हुआ? नहीं, झगड़ा नहीं, हम लोग ये लोग झगड़ा करना अभी भी गाली बका ना गाली झगड़ा नहीं। हम लोग झगड़ा करना सर नहीं चाहते हैं। अच्छा अच्छा, हम लोग चाहते हैं कि मतलब भाईचारा से। आप हमको डिस्टर्ब मत कीजिए, आप चुपचाप रहिए, बोलिए। हाँ, तो 2018 से जो है 18 में जाकर के केस दायर किए कि सर अतिक्रमण हटाया जाए। तो केस तो चल रहा है, केस को लंबित वो रख रहा है। तो कोर्ट में जो है, कोर्ट में मेरा पेपर देखा जाए कि हर जगह बहस हुआ, बहस में जो है मेरे पास से हर सबूत, हालांकि यो का भी सबूत सब इकट्ठा करके दिया गया कि एक कब्रिस्तान है जी।
लेकिन इन लोगों से सीओ साहब का जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में 30 डिसमिल जमीन इन लोगों को दिखा रहा है मकान में सहन, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? 30 वो जो सीओ जो दिखा रहा है 30 वो भी कब्रिस्तान है, मेरा कागज देखा जाए जी, तो वो जो है 30 डिसमिल में उस आबादी था, इतना आबादी 30 डिसमिल में उनका पहले आबादी था जी, जी, जी। यही 2000 मतलब 21 में 2021 में लॉकडाउन में ये लोग आबादी किया है, 18 में हम लोग केस दायर किए और जो है 2021 में ये लोग जो है मकान भी बना लिया या घर द्वार बना लिया, लॉकडाउन में हम लोग बचत रहे ये लोग बना लिया, उनके पास केस चलता ही रहा, केस चल रहा है अभी भी, हम लोग सब सबूत इकट्ठा वहाँ दे रहे हैं, इन लोगों के पास कोई सबूत है ये भी वहाँ दिखावे, जब केस चल रहा है जी। तो कोर्ट पर सर्वोपरि जो फैसला कर दे वो जी। उसको मान्य है तो फिर हम लोग कोर्ट का भरोसा में है, लेकिन ये लोग कहाँ भरोसा, ये लोग दिन प्रतिदिन लेटिंग रूम बना रहा है, मेरे धार्मिक स्थल पर जो लेटिंग बना रहा है, घर बना रहा है, मलमूत्र कर रहा है, आबादी पूरे कब्रिस्तान को कर रहा है, तो सर हम लोग कितना सहन कर रहे, क्या हम लोग जान दे दें, हम लोग तो मारने वाला नहीं मरना चाहते हैं, इंसाफ नहीं हुआ तो मरना चाहते हैं। तो अभी आप सरकार से क्या कहेंगे, क्या गुहार लगा? सरकार से यही गुहार लगा रहे कि सही जांच कर जमीन स्थल करते हुए, इसलिए कि मैंने थाना से लेकर के दिल्ली तक मेरा कागज लगा हुआ, हर जगह जो है मेरा पेटिशन लगा हुआ, सर इंसाफ चाहिए, कहीं से कोई भरोसा नहीं है, लास्ट में जाकर के हम कोर्ट पर फेंक दिए, कोर्ट पर हम केस दे दिए, कमजोर आदमी ना कोर्ट से लड़ता है जी, तो हम कोर्ट का सहारा लिए, तो जब तक कोर्ट से सहारा ले रहे जो फैसला आ जाए, तो फिर ये लोग दिन प्रतिदिन बढ़ क्यों रहा, यही है सरकार से अनुरोध, आखिर प्रशासन को भी तो रिपोर्ट देना चाहिए कि ये लोग क्यों बढ़ रहा है, जब कोर्ट में केस चल रहा है तो ये लोग अतिक्रमण क्यों हो रहा है, प्रशासन का भी यहाँ मेलना है, प्रशासन का भी तो रोकने का आधार बन रहा है, कोर्ट से फैसला होता कराता, लेकिन कम से कम ये लोग को तो कहता कि भाई जहां है वहीं रहो, अंचलाधिकारी का रिपोर्ट के हिसाब से अतिक्रमण मुक्त कराना चाहिए, कराना चाहिए, लेकिन 2018 में केस दायर किए, 2021 के बाद ये 3-4 साल में पूरे कवर कर लिया, हम लोग जो है कोर्ट के भरोसा में रहे, ये लोग दिन प्रतिदिन कैप्चर देख लिए सर, कैप्चर कर रहा है, बढ़ रहा है आगे जी। क्या नाम हो आपका? MD मन्नान, यहीं के वासी हैं जी? हाँ, लतराहा पंचायत मेरा घर है, 12 वार्ड नंबर है, और मेरा बाप दादा इसी कब्रिस्तान में गड़ा हुआ है, और जहाँ जहाँ देखिए सर, मेरा भी उम्र 42-43 साल है जी, मेरा अनुभव कि इस सब में भी कब्रिस्तान था, उन लोगों का नाम है, नाम बता देंगे कब्रिस्तान, वहाँ ये लोग जो है ट्यूबवेल गड़ा लिया तो घर बना लिया है, कहीं कुछ कर लिया, यानी कब्रिस्तान को नामो निशान ने बराबर कर दिया, अगर ये इस इलाके का मान लीजिए हम मुस्लिम है, ये लोग हरिजन समुदाय, इनको छोड़ करके और समाज से पूछा जाए कि ये क्या है, कब आप पूर्वज से 10-20-50 साल 100 साल से आप क्या देखे, कब्रिस्तान था कि जमीन था, और आदमी से अगर पूछा जाए समाज से कि ये था क्या, कब्रिस्तान है कि कोई जमींदार का जमीन था कि घर था जी। जी धन्यवाद आपका। चाहिए कि यहाँ के प्रशासन को कि कम से कम अंचला अधिकारी का मान रखे और उनका सम्मान करे और अतिक्रमण मुक्त करे, ताकि दोनों समाज एकजुट रह सके। सब लहास वहास सब कुछ गरिये रह से, तब जायज नजायज जकर जे चीज छै से नजायज भए रहल छै, नजायज तो जरूर छै, ई बात तो सत्य छै। हरिजन एक्ट के डोर से हम लोग दूर रहते हैं, हम सोचते हैं कानून का पालन करते हैं, सोच रहा कि मतलब हरिजन एक्ट लगा देंगे, हाँ, कोई तरह का मतलब जी करके जी जी जी। देखिए हर जगह सर, देखिए बोला कि मेरे पास खतियान है, मेरे पास सबूत है, वो देखा जाए, इससे 2-3 साल 2018 से पहले एक पंचायत बैठाया गया था यहाँ जी प्रखंड लेवल पर, कि भाई हम लोग आपस में भाईचारा रहे, लड़ाई झगड़ा ना करे, कोर्ट का पालन करे, कोर्ट का पालन करे, तो उसमें ये एक कागज दिखाया राज दरभंगा का, उसमें ये था कि मतलब अंग्रेज का जमाना का इसके पास वो खतियान था, वो खतियान में क्या लिखा हुआ था, बिहार सरकार जी, इसकी जो कागज के बारे में बोल रहा है वो सर्वे से पहले वाला कागज में लिखा हुआ था बिहार सरकार, और मेरे पास जो सर्वे के बाद जो मेरे पास कागज है अभी मौजूद आ जो कोर्ट में भी लगाया हुआ हर जगह है, उसमें है बिहार सरकार कब्रिस्तान जी। तो सर्वे के बाद तो कोई सारा सर्वे नहीं हुआ है जी, नहीं, तो सर्वे से पहले भी इन लोगों का ना था जमीन, ना हम लोगों का जमीन था, सरकार की थी जमीन जी, क्योंकि बिहार सरकार पहले भी लिखा हुआ था इस जमाने मान लीजिए जी जी जी, उनके बाद सर्वे जब हुआ तो उसमें लिखा बिहार सरकार कब्रिस्तान जी, तो उसका कब्रिस्तान मालिक तो हो गया मुसलमान और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो गया, तो किस आधार पर इनका राइट बनता है सर, इनको जरा स्तरीय जांच करके जो है सही उचित कार्रवाई किया जाए जी। बहुत बहुत धन्यवाद। कोर्ट का जितने भी अफसर आया था सभी बोला है, सीओ BDO सब बोला है,
आप अपना मत झगड़िए लड़िए, जमीन जमीने जगह रह जाइएगा। आप लोग जितने आप लोग मैंने कि कब्जा किए उतने तक रहिए, बाकी कब्रस्तान का छोड़ दिए, हम लोग छोड़ दिए हैं। 1952 के बाद आपका कोई कागजात सरकारी है आपके पास? नहीं, पहले वाले जो हम लोग कागज, सर आजादी के बाद की बात मैं बोल रहा हूँ, आजादी का पहले सारा कागजात जो खतियान में जिसका था, हाँ, वो 52 में आ गया, हाँ, सर्वे में। अब ये हम नहीं बता सकेंगे जी। जी 16 लाख से ज्यादा होगा, पूछिए पार्टी को। तो जब हमने देख लिए कहे ना मेरा बाप दादा का है, तो इसलिए न बढ़ते जाए, अच्छा स्थापित हो जाए, कहना मेरा यही है। कोर्ट मेरा अगर रिकॉर्ड को कह देगा यहाँ से लेके हाई कोर्ट से सुप्रीम तक ये चमार तुम्हारा गलती है, तो मान जाएंगे। क्या नाम हुआ? सुरेश राम। क्या ये सही है या गलत? ये तो गलती है, लेकिन गलती है, ये तो गलती है, गलती है, लेकिन गलती गलती है, लेकिन चलिए कब्रिस्तान है, उसको हम बराबर करके जोत आबाद करते हैं, ये उचित है? नहीं, सामाजिक स्तर से नहीं ना है? नहीं नहीं, नहीं है। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? हमारा गुलाब चंद मेहता। अच्छा, यही गांव में कर रहे हैं? हाँ। आपका क्या नाम हुआ सर? विजयश्री मेहता। इस पर अतिक्रमण कर रहे हैं, ये सामाजिक स्तर से उचित है कि अनुचित है? देखिए, ये तो लोगों की मर्जी, इसके ऊपर ऐसा होता है, डिपेंड करता है। हाँ जी, लेकिन कब्रिस्तान के जगह पे तो उचित नहीं है। नहीं है, नहीं है, नहीं। और मैं, क्या नाम हुआ आपका? बिंदेश्वरी मेहता। इसी गांव में घर? हाँ, इसी। ये क्या नाम हुआ आपका? रंजीत पासवान। अच्छा रंजीत जी, आप ये बताइए, आप तो ज़्यादा उम्र नहीं है आपका? नहीं। आप जो जब आप बच्चे में खेल रहे थे, हाँ, तो ये सब खाली था, ये सब खाली था। हाँ, कवर गाई के सब आदमी बोलता था, हम लोग भी कवर गाय आके यहाँ साइकिल चलाने के लिए सीखने के लिए आते थे। जी 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 जी, बस। तो अभी अभी क्या पोजीशन है इनका? ये तो पूरा अतिक्रमण हो चुका है। हाँ, अभी तो देख रहे हैं पूरा भर चुका है। जी जी, की नाम मिलन बाबा? फुलेश्वर पासवान। फुलेश्वर पासवान, आपका तो उम्र ढेर हो गया, किस तरीके से देखते हैं? सब दिन कवरगार, आपका कवर रहे नहीं रहे, लेकिन कवर स्थान ये देखे। कवरगार रहे? हाँ, आपका कवर रहा नहीं रहा, नहीं रहा, कागजी के कर से पता नहीं, लेकिन ये कब्रिस्तान था। अभी जो लोगों का जो जमीन अधिग्रहण हो रहा है, लोग दबाव डाल के घर बना रहा है, कि इस सामाजिक स्तर से ठीक है कब्रिस्तान हो या आसमान, उस पे घर बनाना उचित है, उचित नहीं है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम हुआ MD करीम जी। आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा ये कहना चाहते हैं कि इधर से इधर जो है 12 नंबर वार्ड में लतराह पड़ता है, इधर 8 नंबर वार्ड में मुल्किया मुरबल्ला कब्रिस्तान पड़ता है जी, जिसमें कि अतिक्रमण के विषय में बहुत तरह की पिटिशन दे चुके हैं, कानून की बात आई तो कानून तक रहना चाहिए जी। आगे ये बढ़ के सारा अतिक्रमण से सारा बढ़ के, हम लोग चाहते हैं कि मुफ्त कब हो जाए। CO साहब यहाँ जो इंस्पेक्शन कर कर गए, कर्मचारी करके गए, तो वो क्या बताए? वो सारा चीज़ बताया कि ये आप लोग को आगे नहीं बढ़ता जब तक आपको कानून से कागज से नहीं आता है, कोई डिसीजन नहीं होता, आगे नहीं बढ़, लेकिन उससे 4 गुना जाके आगे बढ़ चुका है, आगे बढ़ चुका है, बढ़ चुका। लेकिन उनका एलिगेशन है कि हमको फला राजा था, उसके हिसाब से हम लोग को 4 चमार को जमीन लिख दिया था, इसके ऊपर क्या कहें? इसके विषय ठीक है, वो अपना डॉक्यूमेंट्स दिखावे, बाप दादा का कागज पत्र दिखावे, और उसे अफसर के साथ में जब उसका हो जाए उसको ले सकता, कोई दिक्कत नहीं, कोई डॉक्यूमेंट से दिखावे, अपना प्रूफ दिखावे, कम से कम प्रूफ दिखाने के लिए। हाँ, प्रूफ दिखा। DCLR के धमधार DCLR में आपका केस चल रहा है जी जी, इसके बारे में आपका क्या कहना है? DCLR के ये लोग जो है कि अतिक्रमण खाली कराने के लिए सारा DCLR से लेकर नीचे से लेकर हर जगह दे चुका, कोर्ट में केस लगा हुआ सर, तो इसलिए कि ये हरिजन एड से लोग तो वंचित है, ताकि हम लोग केस में नहीं जाएं, कानून में जाएं, कानून से हम लोग लड़ेंगे, कानून कानून होता है, लेकिन वो कानून को तोड़ के आगे बढ़ रहा है, यही हम लोग का कहना है कि इसे अतिक्रमण को खाली किया जाए। सही, ये सरकार से गुहार है, गुहार है। मुल्किया और लतराहा से MS परदेसी।